आपने अक्सर फिल्मों के सीन में या आप में से किसी ने सच में भी कोर्ट यानी कि अदालतें देखी होगी जिसमें जज और वकील की अहम भूमिका होती है। आप में से कितनों का सपना जज और वकील बनने का होगा, तो आज की इस वीडियो में आप जज कैसे बने इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और वकील कैसे बने इस बारे में पूरी जानकारी वाला वीडियो आपको आगे मिलेगा। तो चलिए जज कैसे बने इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जज बनने का प्रथम स्तर लॉ में स्नातक है। आप 12वीं के बाद क्लेट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस परीक्षा में 16 यूनिवर्सिटी भाग लेती है। इसके अतिरिक्त सभी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम स्वयं आयोजित करती है। यह 5 साल का कोर्स है। इसमें आपको BA LLB की डिग्री प्राप्त होती है। BA या स्नातक के बाद आप 3 साल का LLB कोर्स भी कर सकते हैं। विधि में स्नातक होने के बाद आपको एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होना होता है। इसके बाद आप वकालत कर सकते हैं। 7 वर्ष के अनुभव के बाद आप जज की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो अभ्यर्थी को 12वीं की परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सफल होने के बाद आपको BA LLB में प्रवेश मिल जाएगा, जिसकी अवधि 5 साल है। इसके साथ साथ आप स्नातक की परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण करके LLB के 3 वर्षीय कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। न्यायाधीश बनने के लिए सामान्य योग्यता की बात करें, तो अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यायाधीश बनने के लिए अभ्यर्थी को 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीश बनने के लिए आयु 62 वर्ष के अंदर होना अनिवार्य है। परीक्षा यानी कि एग्जाम की बात करें, तो भारत के सभी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा जुडिकल सर्विस एग्जाम जिला या अधीनस्थ न्यायालय सुबोर्डिनेट कोर्ट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आइए अब इन परीक्षा के लिए जरूरी स्टेप जान लेते हैं। न्यायिक सेवा परीक्षा के चरण। न्यायिक सेवा परीक्षा 3 चरणों में संपन्न होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम, मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा की एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें, तो पेपर 1 जनरल नॉलेज 150 मार्क्स 2 घंटे में देना होता है और पेपर 2 लॉ का 300 मार्क्स का 2 घंटे में देना होता है। मुख्य परीक्षा की एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो पेपर 1 जनरल नॉलेज 150 मार्क्स 3 घंटे, पेपर 2 लैंग्वेज 200 मार्क्स 3 घंटे, पेपर 3 लॉ 1 सब्सटेंटिव लॉ 200 मार्क्स 3 घंटे और पेपर 4 लॉ 2 प्रोसीडर एंड एविडेंस 200 मार्क्स 3 घंटे, पेपर 5 लॉ 3 पेनल रेवेन्यू एंड लोकल लॉज 200 मार्क्स 3 घंटे, यानी कि प्रीलिम एग्जाम के पेपर 2 घंटे में क्लियर कर सकते हैं और मेन एग्जाम के पेपर 3 घंटे तक क्लियर कर सकते हैं। ये थी बात एग्जाम की। आइए अब जानते हैं कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कैसे होता है। तो मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। आप इसमें सफल होने के बाद जज के पद पर चयनित हो सकते हैं। आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि जज की सैलरी या वेतन कितनी होगी, तो जूनियर सिविल जज का वेतन 45,000 और वरिष्ठ जज का वेतन तकरीबन 80,000 रुपये है। यह वेतन राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख रुपये है और हाई कोर्ट के अन्य जजों का वेतन 2.25 लाख रुपये है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख है तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों का वेतन 2.50 लाख रुपये है। तो यह थी जानकारी जज यानी कि न्यायाधीश बनने की।
कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखे, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।